ऑलराइट, तो इस वीडियो को भी थोड़ा सा रॉ रखते हैं. दिस इज़ प्रेस्टीज इंडक्शन पिक 3.1 वर्जन 3. इसको मैं 2 साल से, लगभग 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड विद इट. दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस रिव्यू. सबसे पहले तो ऑन ही कर लेते हैं इसको. ऑलराइट, तो ये 2000 वॉट का इंडक्शन कुक टॉप है. ये ऑटोमेटिक कीप वॉर्म के साथ आता है. तो ये क्या चीज़ है ये भी मैं आगे वीडियो में बताता हूँ आपको. तो यहाँ पे आपको इसके ऑप्शंस दिख जाएंगे. डोसा चपाती, जब हम इसको प्रेस करते हैं, ये ऑन मेन्यू, ये 1100 वॉट पे चल रहा है. हम इसको डोसा चपाती पे करते हैं तो यहाँ पे DC आ जाता लिखा हुआ. प्रेशर कुकर पे करते हैं तो कितनी सीटियों बाद बंद करना है. ऑब्वियसली हमने इसके ऊपर कोई बर्तन नहीं रखा हुआ है इसलिए ये बीप कर रहा है. उसके बाद टाइमर भी लगा सकते हैं. सॉटे, डीप फ्राई, करी, इडली, इन सब के लिए हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं. बट यूजली हम इसको किस तरह से चलाते हैं? यूजली हम इसको सिर्फ इसी तरह से चलाते हैं, ऑन ऑफ करके और मेन्यू, और इसी से हम बस अप डाउन अपना टेम्परेचर कर देते हैं कि जिस भी टेम्परेचर पे हमको कुक करना है, जिस भी वोल्टेज पे हमको कुक करना है. तो एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ कि ये पानी कितनी देर में गर्म कर देता है. 1 लीटर पानी अगर गर्म करना हो तो कितनी देर में कर देगा ये. तो अभी इसको ऑफ करते हैं. 1 लीटर पानी डाल देते हैं इसमें. आ जाएगा कि नहीं आएगा? ओह, आ गया. क्लोज कॉल. अब इसको ऑन कर देते हैं हम और इसको 2000 वॉट पे रखते हैं. लेट्स सी कि कितनी देर में पानी गर्म होता है विदाउट एनी लिड ऑन. चलो, जब तक पानी गर्म हो रहा है इसको हम कंटिन्यूअस रखेंगे वीडियो को, इसको हम बीच में रोकेंगे नहीं. और क्या बात कर सकते हैं, ये कुकटॉप बहुत ज़्यादा सेफ़ है. अभी तक 2-3 साल हो गए हैं इसको, अभी तक मुझे कोई करंट नहीं लगा हुआ है. यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है और मैं इसको यहाँ पे भी उंगली रख दूँ तब भी कुछ नहीं होगा. हालांकि आई डोंट रिकमेंड दैट, क्योंकि इसमें भी लिखा हुआ है कि हाथ नहीं लगाना है. ठीक है, तो आई विल नॉट डू दैट. सेरामिक प्लेट इज़ हॉट आफ्टर कुकिंग, प्लीज़ डोंट टच विद योर हैंड. तो ये जो इसके बीच में है, जो ये सर्कल के बीच में, इसके बीच में ही पानी गर्म होगा, इधर उधर साइड साइड में नहीं होगा. ठीक है, तो और क्या बात कर सकते हैं हम इसकी उतनी देर. हाँ, इसकी बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक कीप वॉर्म. तो ऑटोमेटिक कीप वॉर्म का मतलब ये हुआ कि जब आप इसको बंद भी कर दोगे, मैं एक बार करके देख लेता हूँ, तो ये ऑटो पे चल रहा है. तो ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ऑन होगा और थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा. तो इसका मतलब ये होगा कि थोड़ा सा गर्म करेगा फिर कम, फिर थोड़ा सा गर्म करेगा फिर कम. इस तरह से ये ऑटोमेटिक कीप वॉर्म. इतना ज़्यादा हालांकि यूज़ नहीं आता है. जो इसका पहला वर्जन 2 है वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसका ये वाला फीचर. उप्स, 2000 वॉट पर देते हैं इसको. तो हम इसका वेट ही कर लेते हैं कितनी देर में ये गर्म होगा. बाकी ओवरऑल डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था. जो इसका नेक्स्ट वर्जन है वो मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा है. वो भी मैंने ख़रीदा है, वो मैंने दूसरे घर में रख दिया है. वो इतना कुछ खास नहीं लगा क्योंकि उसकी जो सेटिंग्स है 200 के बाद सीधे 500, इसमें 350 भी जाती है, 200 भी जाती है, 200 वॉट तक, तो उसमें एकदम से उबल जाता है और थोड़ा सा कंट्रोल की कमी है उसमें. ये वाला पिछला वाला वर्जन इज़ गुड. वीडियो कॉन्टिन्यूस ही रख रहा हूँ मैं. ज़्यादातर हम इसी मोड पे इसको चलाते हैं, 2000 वॉट या 1400 वॉट या 1100 वॉट, मतलब जिस भी हिसाब से हमने करनी हो. हम इन चीज़ का यूज़ ही नहीं करते हैं. और आई थिंक कि आपके घर में भी अगर कुकटॉप्स होंगे तो आप भी इसको इसी तरह से यूज़ करते होंगे. मैंने तवा भी लगा के देखा इसमें, पर जो तवा पे चपातीज है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है जितनी आपकी गैस पे बनती है. तो बना सकते हो आप, बट नॉट रियली रिकमेंडेड फॉर चपातीज. थोड़ी थोड़ी कच्ची रह जाती है या फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है उसको कुक होने में. बाकी 2000 वॉट है तो 2000 वॉट का मतलब है कि बिजली उस तरह से खर्च होगी उसमें, जिस भी तरीके से आपकी यूनिट्स होगी. थोड़ा सा होने लग गया है, इट इज़ अराउंड 60-65% हो चुका है अभी.
लगभग बॉइलिंग पॉइंट पे आने वाला है। एट्टी परसेंट हो चुका है, जो परसेंटेज पे बता रहा हूँ मैं, बेसिकली थोड़ा थोड़ा आइडिया लेके बता रहा हूँ। और इसमें हमने लिड नहीं लगाई भी है, इस वजह से इतना टाइम ले रहा है आई थिंक। आवाज़ भी आप देख सकते हो कि कितनी आवाज़ इसमें आ रही है, आई मीन सुन सकते हो। तो जनरली जितने भी इंडक्शन कुक टॉप्स होते हैं उसमें इतनी आवाज़ आती है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा लाउड है या ज़्यादा कम है, इट्स ऑल द सेम। ऑलराइट, तो इवेपोरेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड द पानी इज़ गर्म नाउ। तो या इतने मिनट इसने लिए इसको पानी को बॉईल करने में, इसको आराम से डाल लेते हैं। गिरियो मत, गिरियो मत, गिरियो मत। और ये इसका ऑटो फीचर ऑटोमेटिक चल पड़ता है। हालांकि मुझे ये चाहिए कि हमें पहले ही ऑफ़ हो जाए जब एक बार दबा दिया, पर ये दो बार दबाना पड़ता है ताकि टोटली ये ऑफ़ हो जाए। एक बात ख्याल रखने की होती है इसमें कि ये फ़ैन पूरा चलने देना होता है, सीधे स्विच ऑफ ना करें, इसको चलने दें। जब ये बंद हो जाएगा उसके बाद आप यू नो फर्दर चीज़ें कर सकते हो। इसको भी देख लेते हैं कितनी देर में फ़ैन ऑफ होता है। क्या मेरे 10 दिन से पहले हो जाएगा बंद? हो गया। तो इतना टाइम ये फ़ैन बंद होने में लेता है कि इसको ऑफ़ कर देते हैं पहले और इसके स्विच निकालते हैं। इसके पीछे देख लेते हैं, मैंने इसको अभी तक साफ़ नहीं किया, मतलब इसको अराउंड हो गया कुछ साल भर हो गया और अभी तक मैंने साफ़ नहीं किया। हालांकि इसको साफ़ करते रहना होता है, अगर दो तीन महीने बाद मैंने साफ़ नहीं किया है। मैं भी अभी पहली बार देखूँगा इसको। पिछली बार जब साफ़ किया था तो शायद 1 साल पहले किया था। अभी देखूँगा कि कितना इसमें एक्यूमुलेट हुआ हुआ है। ओ भाई साहब, तो बेस से कुछ इस तरह के दिखता है। यहाँ पे आपको रबर पैड्स देखने को मिल जाते हैं, थोड़े थोड़े घिस भी गए ये। और ये आपको देखने को मिल जाता है, ये आपने रिमूव करनी होती है बेसिकली। दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर इंडक्शन कुकटॉप। तो आपने ब्रश ले लेना है और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको इस तरह से करके साफ़ कर लेना है। तो दैट वुड बी अ गुड थिंग। तो इसको भी मैं साफ़ कर दूंगा। हालांकि इतना ज़्यादा डिपॉजिट नहीं हुआ हुआ है जितना मैंने इसको पहली बार साफ़ करते वक्त देखा था, बट स्टिल इट इज़ अ गुड हैबिट कि आप इसको साफ़ कर रहे हो। बाकी जो इसका प्लग है वो कुछ इस तरह का है, ये 10 एम्प का प्लग है, तो आप इसको 16 एम्पियर वाले में ही लगाएं।
दैट वुड बी अ गुड थिंग, नहीं तो वायरिंग अच्छी होनी चाहिए बेसिकली. इसको वापस से सीधा कर देते हैं. अगर आप इसमें डोसा चपाती वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ बनाना चाहते हो तो इट इज़ यार रिकमेंडेड. अगर आप कुछ तली हुई चीज़ बनाना चाहते हो, इसमें ऑयल वगैरह लगा के बनाना चाहते हो पैन में, बट अगर आप सिंपल प्लेन चपाती बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको लगेगा और ऐसा लग सकता है कि आपको थोड़ी सी ज़रा सी कच्ची रह गई है चपातीज. बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी इसमें बॉयल करनी है, राइस कुक करने हैं या फिर दाल बनानी है, सब्जी बनानी है, एनी थिंग यू वॉन्ट कि जो बेसिकली इंडक्शन कुकटॉप वाले बर्तन है उसमें बन जाए, वो सारी चीज़ें इसमें बन जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम और जल्दी भी बन जाएगी. तो या मैंने इसमें डोसा बना के देखा है, बाकी दाल चावल ये सारी चीज़ें, सब्जी बना के देखी है, इसमें दूध बॉयल करके देखा हुआ है, सारी नॉर्मल चीज़ें जितनी भी है वो सारी चीज़ें करके देखी हुई है एंड इट वर्कड फैंटास्टिकली. 2-3 साल हो गए हैं इसको मेरे पास खरीदे हुए और आज तक मेरे को इसमें एक रत्ती भर प्रॉब्लम नहीं आई हुई है. जिसके कैपेसिटिव टच बटन्स है दोज आर प्रिटी कूल. मतलब इसमें पानी गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, मसाला गिर जाए, लिक्विड गिर जाए, जितना मर्जी, सो कुछ नहीं होता है और आज तक कुछ भी नहीं हुआ हुआ है इसको. इसके ऊपर पता नहीं कितनी बार तो दूध बॉयल होके गिरा है, कितनी बार चाय गिरी है, कितनी बार पानी बॉयल होके चावल में से गिरा हुआ है या दाल गिरी हुई है इसके ऊपर, फिर भी बस एक पोचा मारो एंड दैट्स इट. और मैं जो पोचे हैं वो ये वाले रिकमेंड करता हूँ, स्कॉच ब्राइट वाले या फिर इस तरह के गाला वगैरह के भी होते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. इस इंडक्शन टॉप का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर वहाँ से खरीदना है ना तो आप खरीद सकते हो टू हेल्प द चैनल. और या इजी टू क्लीन, इजी टू मेंटेन, थोड़ा बहुत फैन में ब्रश ब्रुश मार दो तो सही रहता है और बन सब कुछ आएगा इसमें. तो या बस इतना ही था इस वीडियो के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और देखते रहिए ग्रेटर चैट. मिलते हैं किसी और वीडियो में. ओके okay?